माल दिया इसको बिचाली को। अच्छा, ना तू जीती ना मैं जीती। हेलो गाइस, सरप्राइज कर दिया जमाई ने। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है। मम्मा नहा कर तैयार होकर घर के मंदिर में पूजा पाठ करके शिव मंदिर की ओर चले गए हैं। और मैं उठ चुकी हूँ, थोड़ा वॉक कर रही हूँ छत पे, थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद नीचे जाकर पिताजी को उठाऊँगी। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि पिताजी घर आए हुए हैं, तो आज सुबह सुबह पिताजी को फिर जाना है अपनी ड्यूटी के लिए। तो इस तरीके से हो रही है दिन की शुरुआत। इतने प्यारे लग रहे हैं पंछी। गुड वाली मॉर्निंग तो हो गई है, लेकिन सूर्यदेव भगवान जी ने भी दर्शन नहीं दिए हैं। आज मिट्टी सूखी सूखी सी लग रही है पौधों की, तो पानी डाल देते हैं। गुड मॉर्निंग वैजी। गुड मॉर्निंग। उठते ही पिताजी लग गए लहसुन की कलियां छीलने में। आज मैंने पापा को व्हाट्सएप कॉल करके उठाया। पता लग गया था आपको? पता लग गया था, तेरी मम्मी ने उठा दी थी, मैं तो कहीं नहीं जा रही। घर की साफ सफाई हो चुकी है, डन। पिताजी पीते हुए कड़वा पानी और मैं मेरा जीरा वाटर। कड़वा नहीं लगता बाबा आपको? लगता है, क्या हौली हौली भी लग जाता है। आपको बर्दाश्त करना आ गया। मम्मी जी मंदिर से वापस घर आ चुकी हैं। ऑनलाइन वाली गुड मॉर्निंग मम्मा जी। गुड नाइट। गुड नाइट। बेहतरीन। ये क्या है? ये कोई जानता है क्या है? करेले। करेले है? क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आया है क्या चीज ये, तो बताओ। अरे बाढ़ करेला रहते हैं इसको। बाढ़ करेला तो मैंने बोला था आपको कि करेला छोटे वाला, तब तो कह रहे हो नहीं। बाढ़ करेला तो फिलहाल मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। पापा पीछे आने वाले हैं, नहा फिर लेट हो जाऊंगी। हाँ मैंने पी लिया पानी, पापा ने पी लिया, आप रह गए हो। आपका हिस्सा वहाँ रखा? क्या क्या रखा है मेरे लिए? कलौजी, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, इकट्ठा करके रखे है मेरे लिए, और कड़वा पानी। सुबह के 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। पिताजी नहाकर आ चुके हैं, पूजा पाठ कर लिया है मंदिर में, और यहाँ पे फलाहार किया जा रहा है, भोजन किया जा रहा है। पिताजी से पहले नहाकर मैं हो चुकी हूँ तैयार। मार दिया है मैंने बहुत बड़ा तीर, और मेरी उंगली की ऐसी तैसी हो चुकी है। देखो मैं आपको पहले कह रही हूँ, पिलपिला पिलपिला हो रहा है मम्मी। पक गया ये? पका? पी पाया? दर्द हो रहा है इसमें। देखो अब बाउंड्री देखो, शक्ल नहीं बता रही आपको उसकी, पक गया है ये। बाहर आलू जरा लगा उसके कांटे से ना, इसको पीस निकाल दे। इसकी शक्ल बहुत बुरी हो चुकी है। क्या था, क्या हो गया? परसों 1000 रुपए दिया, आज करे मेरे पास पैसे नहीं है, दे दे बता। आप देख रहे हो करना कुछ नहीं करा। फल लेके आ रहे फ्री क्या आ रहे? उस दिन 2 किलो सेब लाए थे, कल पपीता लेके आए थे। आप तो समझते हो रेडी वाले हमारे रिश्तेदार है। 4 दे गए, 5 दे बोल मेरे को। 400 खुले दे दिए, 500 करोड़ मांग लिया। आय हाय, आधा किलो अंजीर भी लाया था। हाँ तो ड्राई फ्रूट तो महंगे आते हैं। हर दूसरे दिन ब्लॉग में पिताजी की विदाई देखने को मिलती है, और रोज ही पिताजी लेट हो रहे होते हैं। आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। जय माता की भैया, आराम से जाओ। बाय बाय। हाँ आपको मार दिया था, आपको कल्लू ने मार दिया था। इतनी उच्ची आवाज आई, एकदम कूं 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 करके बाहर गई मैं। लड़ गए आपस में, इसको मार देती है कल्लो पता नहीं क्यों। गली के जितने डॉग है सब इससे दुश्मनी करते हैं, क्योंकि ये घर के अंदर रहती है ना, उनको लगता है कि ये घर के अंदर रहती है, हम घर के बाहर हैं, तो जब बाहर जाती है इस पर हमला कर देते हैं वो। नहीं जैसे रात यहाँ की है, 2-3-4 हो गए नहीं, यहाँ से इसको 2-4 हो गई, वही बाहर वाले खाते हैं। मैंने बचाया था ना बचंती को मैं बचाया था ना। कहाँ चोट लगी मुझे, पीछे मुंह करके इसने ऐसे दिखाया, जब मैंने ध्यान से देखा ना, सच में देखो पाँव में इसकी काट रखा है, इधर भी काटा हुआ था। ये देखो पाँव में कितनी चोट मार दी इसके कल्लो ने, बहुत गंदी है कल्लो, कल्लो बहुत गंदी है। मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कल्लो को चटका दूं करके, फिर मैंने कहा यार वो भी अपना ही बच्चा है, उसको भी क्या ही मारूं। तो गुच्छा तो मेरे को आला था उस पे गुच्छी जो आई थी, मैं गुच्छी कौन कर लो। दादी भी आ गए थे बगल वाले, सोटी उठा के उसी समय,
कह रहे कल्लो अपने आप को ज़्यादा ही बनती है, ये महारानी बनती है अपने आप को गली की। दादी को भी गुस्सा आ रहा था, माल दिया इसको बिचाली को, चुभे 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 पिट्टी पिट्टी हो गई। हाँ बिट्टू हाँ मम्मी देख रहा मैंने हाथ हटाया करी कू 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 और कर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा मजा आ रहा है। अच्छा वो कहते कि हमारे बच्चे रोते बसंती के बिना, नहीं वो शरीना। अच्छा इनके साथ अटैचमेंट ही ऐसी हो जाती है, फिर मन करता है ये यहीं रुके, पर जब से मैं आई हूँ ना यहाँ तब से हमारे पास ही रुक रही है ये। आराम से खा लेते हैं, जबकि इतना प्यार करते फिर भी रुक खा रही है, वहाँ भाग के दर को आ जाती है। सुबह दी थी फीड मैंने इसको, अरे खाते रहते हैं। मम्मा जी जा रहे हैं अभी पौधों में पानी डालने के लिए। ऐ हो सूर्यदेव भगवान, जादू मंत्र कली कलंतर, मेरी मम्मी का हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। छू देखा हो गया ना ठीक, ऐसा मंत्र मारती हूँ मैं। नाश्ते में आज गर्मा गर्म नमकीन ओट्स तैयार किए जा रहे हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। काफी दिन से पैकेट्स पड़े थे वो ऐसे ही, मैंने कहा बना लेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो पड़े हैं तो फिर पड़े ही रह जाएंगे। आहा ओट्स ये बड़े मजेदार, आहा ओट्स ये बड़े मजेदार। खा के बताओ मम्मी, अगर आपको ओट्स का टेस्ट अच्छा लगने लग गया ना फिर आप मैगी खानी छोड़ दोगी, पता है इतने अच्छे लगते हैं खाने में। लिदु गुड मॉर्निंग, आए हाय हाय है मम्मी खुश ग्रिल क्या कर रहे चलो ठीक है जी ठीक है। पिताजी पहुंच चुके हैं ड्यूटी में, टाइम हो रहा है सुबह के 10:30, लेट हो गए आज ना। हाँ पर खराब हो गई थी। अच्छा बस खराब हो गई थी। जो मम्मा की थेरेपी अभी चल रही है उसके चलते मम्मी के शोल्डर में पहले से जो पेन हो रहा है उसमें काफी रिलीफ है। तो आज माता श्री बोल रही हैं कि बिल्कुल सही मुझे लग रहा है, मुझे जरूरत नहीं लग रही है थेरेपी करवाने की। अब उन्होंने बोला कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन थेरेपी करवानी है। अगर आपको सही महसूस हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ओके हो चुका है, इसका मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, उसका रिजल्ट धीरे धीरे मिल रहा है। पर जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता, जब तक वो सर खुद नहीं बोल देते कि नहीं जब ऑल ओके है, तब तक रेस्ट ले पाना या फिर शोल्डर ना करवाना थेरेपी, ये तो बेवकूफ़ी होगी। लेकिन मम्मी ने आज सुबह से पूरा जोर लगा रखा है कि आरती आज नहीं जाना, आज आराम है, कल चलेंगे, आज नहीं जाना कल चलेंगे। तो इनके साथ थोड़ी सी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। अब ये मेरे घर में होते सोते ऐसा मेरे साथ कर रही हैं, खुद के साथ कर रही हैं, मेरे साथ तो क्या कर रही हैं। लेकिन कल को जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी फिर मुझे भरोसा दिलाते हैं इस बात का कि आरती कोई बात नहीं, मैं पैदल पैदल चल जाऊंगी या तेरे पापा के साथ चली जाऊंगी थेरेपी के लिए। तो जब मेरे होते सोते नहीं जा रही हैं तो मेरे बात तो क्या जाएंगी, मुझे इन पे एक पैसे का भरोसा नहीं है इस मामले में। तो जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं करवाऊँ, बाद में तो फिर इन्होंने करनी अपने मन की मर्जी है। ये दोनों मियाँ बीबी एक जैसी हैं, पापा भी कोई ऐसे नहीं है फोर्सफुल इनको बोलेंगे चल चल करके, ठीक लग रहा है ठीक है फिर रहने दे दोनों ही ऐसे हैं एक से। तो चलो अब ये रहने दो, जादू मंत्र मत करो, तैयार हो चलो फटाफट से शक्ल सही करो। पूरे घर में चुन्नी ढूंढ ली, चुन्नी यहाँ पे टांग रखी है, ऐसे तो काम है। हाँ जी मिल गई। बाहर धूप में तब जाती है स्कूटी, इसलिए मैं आज अंदर ही ले आई थी पापा को जब सुबह छोड़ने गई उसके बाद। अभी मुझे क्या कह रही है, अच्छी भली सो जाती मैं आराम कर लेती, लेके जा रही है जबरदस्ती मेरे को ऐसे ऐसे बोल रही है। क्या आराम कर रही थी सोफे पे, कब से लेटी तो हुई हो आप? थोड़ा सा नींद आ रही थी। तो सो ही रहे थे आप सोफे पे, क्या कर रहे थे और? अच्छा सो ही थोड़ा थी, नींद थोड़ा निकाल रही थी। देखा है आप सबने ये क्या कर रही थी। घर कर दिया लोग, बसंती को अंदर बिठा रखा है, मैंने कहा बाहर आएगी फिर डॉगी पीछे पड़ जाएंगे इसके। बैठिए जी, चलो चलिए।
कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, हाँ जी, वेरी नाइस। आ जाइए। आप कौन हो? बचंती हो आप? आप बचंती हो? बातें करती है मेरे से, बातें करती है। मम्मा ने अभी कुछ देर आराम किया, तब तक मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं, और मम्मी उठते ही रसोई में लग गई हैं काम काज करने। क्या हो रहा है माताश्री? बस खाना बन रहा है। क्या खाना बना रहे हो जी? नीता भट्ट की रसोई में तुम्हारा स्वागत है। आज स्वागत है। आज क्या बन रहा है? क्या बन रहा है जी? क्या बन रहा है? नमकीन चावल। अरे वाह, बिट्टू के फेवरेट नमकीन चावल। आज खाने में क्या है मामा? क्या खाओगी बताओ मामा? नमकीन चावल। क्या डाल रहे हो? न्यूट्री? न्यूट्री डाल रही हूँ। वेरी गुड। वैसे सोयाबीन की सब्जी के साथ ये अच्छे लगते हैं चावल। हाँ, ससुराल में तो जब मैं सोयाबीन की सब्जी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ साथ में। गर्मा गर्म नमकीन चावल हमारे तैयार हैं। मम्मी एक बार हाथ दे दो जरा अपना, मैं एक बार हाथ आपका चूम लूँ। क्या बात है, ये वाला क्या स्वादिष्ट बनाए हैं। मम्मी मुझे बोल रहे तू पहले खाने लग गई, आज व्लॉग नहीं बनाना। मैंने कहा मम्मी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, पहले मैं एक दो गिलास खा लूँ उसके बाद मैं व्लॉग बनाऊंगी। सच में बहुत स्वादिष्ट, बहुत मज़ेदार। मुझे नमकीन चावल पता नहीं क्यों इतने अच्छे लगते हैं। अभी जो सर्दियों में बनते हैं ना, सारी सब्जी वगैरह डाल के, मटर डाल के, मेरे को मटर ज़्यादा चाहिए रहते हैं नमकीन चावल में, वो तो मेरे फेवरेट वाले हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? मज़ेदार। चलो व्लॉगिंग बाद में करूँगी, पहले खा लूँ, मैं सब्र नहीं हो रहा, तड़प ही ऐसी है। हाँ जी, पंजा मार के सारे दाने बिखरा दिए बसंती ने। ऐसे बखेर के खा रही है यहाँ पे। और इस बेचारी मानो को डर लग रहा है अपनी जान का, ये ऊपर चढ़ के बैठ गई थी यहाँ पे, फिर मैंने यहीं पे फीड डाल दी इसको। गेम जो है ये पूरी बराबर में है। अच्छा, ना तू जीती ना मैं जीती, ये बराबर है। अच्छा, ये बराबर है। हाँ जी। अब खुश हो गई मैं जीत गई है ना? नहीं नहीं। ये मैंने काट दिया मम्मी को। ये मैं जीत गई। आपका क्या होगा जनाब? आपको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दे यार इसको। अपने हाथ से काट दिया भाई। जीतू चाहे हारू मम्मी को तो काट रही है। ओ भाई साहब, मम्मी ने तो आज मौज कर दी। मम्मी पार्टी देनी पड़ेगी भैया आज तो। गुड इवनिंग यूडू फैमिली, शाम का समय है। व्लॉग मैंने पहले ही एडिट कर लिया था लूडो खेलने के बाद। दोनों माँ बेटी मजे से सो गए थे, उठ गए हैं थोड़ी देर। मम्मी गली में अपनी सहेलियों के साथ बैठे थे, मैंने आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए। अभी आ चुके हैं गली में वॉक करने के लिए, थोड़ा पसीना बहाएंगे, उसके बाद वापस अपना सा मुँह लेके अपने घर को जाएंगे। मम्मी कहेंगे नहीं नहीं, शक्ल चेंज कर लेते हैं। आगे आगे हनुमत, पीछे भैरव बाबा, बीच में भवानी आई रे माँ काल का। बीच में भवानी आई रे माँ काल का। गली में वॉक करने के बाद घर आके पूजा पाठ कर लिया था हमने। उसके बाद मैं दोबारा फिर चले गई थी वॉक करने के लिए, क्योंकि मेरा आज मन कर रहा था कि अच्छे से थोड़ा सा फील होगी बढ़िया वॉक किया करके। तो अभी टांगों ने जवाब दे दिया जब हद की आरती बहुत घूम लिया, तब मैं घर के अंदर आई हूँ। तो आज बढ़िया थकावट से भी हो रही है, थकावट अच्छी हो, शरीर थका हुआ तो वैसे भी मुझे नींद वैसे भी अच्छी आती है। पिछले काफ़ी दिनों से आपको पता ही है कि जोशी जी लखनऊ गए हुए थे, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। तो अब ये है कि यहाँ वहाँ 100 जगह बंदा हाथ मारता है, तब कहीं जाके एक जगह इवेंट मिलता है, एक जगह काम मिलता है, तो थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है। और खुद की कंपनी चलाना, पहले एज एम्प्लॉय काम करते थे, अब खुद का काम है तो भाई स्ट्रगल भी, जिम्मेवारी भी बढ़ जाती हैं। तो उनका थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है उस चीज़ को लेकर। कुछ दिन के लिए गए थे, होते 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 इतने दिन हो गए उनको। तो रात 1:45 ऐसे करीब वो आ गए थे घर वापस। तो जोशी जी ने मुझे बताया, अभी गाज़ियाबाद आ चुके हैं वो, तो मुझे बता रहे थे कि अल्मोड़ा वाले मौसा मौसी जी आए थे घर, कमला देवर जी घर आए थे, आरती भी घर पे है, तो काफ़ी रौनक सी लगी हुई है घर पे करके।
तो आज मेरे को मतलब कि स्टार्टिंग में जब ये लखनऊ गए ना उस समय तो मुझसे बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, फिर धीरे धीरे इन्होंने वीडियो कॉल उठानी मेरी बंद कर दी। फिर जब मैं कॉल करती थी मैं मीटिंग में हूँ तो नॉर्मल कॉल पे बात करना, मैं मीटिंग में हूँ नॉर्मल कॉल पे बात करना, तो इनको भी ऐसे हो रहा था कि सरादों से पहले पहले आके मुझे ले जाएंगे करके। तो अभी इन्होंने मुझे दो तीन वीडियो क्लिप्स भेजी हैं तो वो देख के मैं भी बड़ी सरप्राइज हुई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो पहले आपके साथ मैं वीडियो क्लिप्स शेयर करना चाहूंगी, उसके बाद फिर बात करते हैं, पहले आप ही वीडियो क्लिप्स देखिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो बताइए कैसे लग रहा मेरा लुक, मैंने बाल कटवा लिए थे। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि यार आप लोग बड़े कमेंट्स कर रहे हो या बहुत से लोग बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, तो मैंने कहा चलो उसको त्याग कर ही देते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, बाल तो फिर दोबारा आ जाएंगे। अगर छोटे फेस पे आपको बाल अच्छे लगे तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ वो ही अच्छे थे, तो आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल गए। तो मैं लखनऊ गया किसी काम की वजह से, तो लखनऊ में मेरे को काफी टाइम लग गया। मैं आज सुबह लखनऊ से आया तो मैं जब वहां पे मीटिंग में गया तो वहां पे देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना है, ये जाना है, वो जाना है, तो बियर्ड और बाल अच्छे लग नहीं रहे थे। तो मैंने वहीं लखनऊ के अंदर ही अपने सरादों से पहले कटिंग करा ली थी, सब कुछ करा लिया था। अब जब पूछूंगा मैंने अपना लुक नहीं दिखाया कि मैं बालों की कटिंग करा चुका हूं अपनी, उनको भी नहीं पता कि उस समय से वीडियो कॉल ही नहीं करी, अपना फोन पे नॉर्मल टेलीफोनिक भी बात हो रही थी नॉर्मल, कुछ ज्यादा वीडियो कॉल मैंने करी नहीं। तो ये उनके लिए भी सरप्राइज है, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है। और रही उनके आने की बात, तो मेरा उनको सरादों से पहले लाने का था, तो मैं लखनऊ गया था तो मेरा था कि लखनऊ में मैं सरादों से पहले आ जाऊंगा फिर उनको लेके आ जाऊंगा, पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई मेरे को, वहां पे मीटिंग्स में ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरी आज से यहाँ साइड भी स्टार्ट है और वहां तक अभी तक कुछ काम फाइनल नहीं हुए थे। बड़ी मुश्किल से अब ले देके अभी वहां काम फाइनल हो, तो आज से मैं अपने ग्रेटर नोएडा मार्ट में भी जा रहा हूँ, वहां जाके आपको दिखाता हूँ मेरा काम जो स्टार्ट होने वाला है और सब कुछ वहां दिखा के आपको क्या क्या है क्या है नहीं। तो वही चीज है कि वो वहां पर है, अब मैं सोच रहा हूँ सरादों के बाद ही लेके आऊं। और दूसरा फिर मैंने व्लॉग्स के अंदर भी देखा कि मम्मी के हाथ में दर्द हो रहा है, तो उन्हें बोला था कि मम्मी के हाथ में दर्द है, फिर अगर मैं अभी थोड़े दिन उनकी एक्सरसाइज वगैरह चल रही है आ जाऊंगी तो फिर मुसीबत होगी, उनको प्रॉब्लम होगी दिखाने में, ये वो करने में, फिर नहीं जाएंगी तो फिर क्या होगा। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, भी सरादों में 9-10 दिन और, तो 2-4 दिन आप इनकी फिजियोथेरेपी वगैरह करा दो, उसके बाद तो फिर देखो लॉन्ग टर्म आप रुक नहीं सकते हो, वो तो फिर उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई नहीं, फिर मैं आऊंगा आपको लेके जाऊंगा। तो प्लीज देखिए बताइएगा कैसा लग रहा है लुक, चेंज करा है थोड़ा सा, जो थोड़ा क्या बहुत ही चेंज कर दिया मैंने, आई थिंक ठीक ही लग रहा होगा आप लोगों को। तो अब मैं आपको अपनी साइड दिखाता हूँ और बताता हूँ, और हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हो रखी कि मैं उनको लेके नहीं आ रहा, वो तो मैं फंस गया काम में इसलिए नहीं लेके आ पा रहा, जैसे ही सराद खत्म हुई तुरंत उनको जाऊंगा और लेके वापस आ जाऊंगा। काम स्टार्ट हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये रहा अपना स्टॉल की लोकेशन, जो स्टॉल बनेगा और एक मेरा वो सामने पीछे दीवार के पास बन रहा उधर है, और एक जो प्लेटफॉर्म है जस्ट के बराबर में, 3 स्टॉल मेरे यहाँ पे है, और एक वो सामने ब्लैक कलर की दीवार देख रहे हैं, वो दीवार के पोर्शन में कारपेट भरा दिया, वो भी जगह मेरी है। 4-5 स्टॉल मेरे यहाँ पर है, बाकी हॉल्स में और काम चल रहा है, तो जैसे जैसे कंप्लीट कराएगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। दिन भर अंदर रहने की वजह से मैं बाहर का दिखा नहीं पाया। ये देखिए हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, पूरा ग्रेटर नोएडा का दृश्य है जो आप देख रहे हैं, बाकी कल सुबह दिखाएंगे अब आपको। तो कैसी लगी आपको जोशी जी की लुक, मुझे तो देख के दिल जैसे कि बाग बाग हो गया, बड़ी खुशी सी हुई मेरे को, क्योंकि आपके काफी टाइम से काफी कमेंट्स आ रहे थे। मैंने आपको बोला भी कि आपके जीजू खुद के दिल की बात मानते हैं, वो मेरी बात मैं कितना ही बोलूं, हमारी काफी बार इस बात पे बहस भी हुई, फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मैंने कहा जैसा आपको सही लगता है वैसा करो, किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी, ना मम्मी को अच्छी लग रही थी, ना मेरी सासू माँ को अच्छी लग रही थी, हम सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं सूट कर रही फेस पे, आप थोड़ी सी लुक चेंज कर लो, सही कर लो, क्योंकि शुरू से ही उस लुक में देखा हुआ है ना। तो मतलब कि आस पड़ोस वाले भी सब मुझे बोल रहे हैं क्या साधु संत बनने वाले हैं क्या, बाबा का रूप से वेशा धारण कर लिया करके, तो सब लोग ऐसे मतलब हंसी मजाक भी चल रहा था सभी का। लेकिन अब वो जब उनका दिल जब तक गवाही नहीं देता, फोर्स कब तक किसी को करोगे, ठीक है। मेरी मर्जी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं अपने हिसाब से जीना चाहूंगी भैया, अपनी खुद की जिंदगी तो सबका ये रहता है, तो इसलिए मैं ज्यादा फोर्स करना फिर मैंने छोड़ दिया था उनको। तो अभी उन्होंने लुक चेंज की है, आप लोग जरूर बताना कमेंट्स करके उनका ये सरप्राइज आप सबको कैसा लगा। मम्मी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, सरप्राइज कर दिया जमाई ने, सही था। अच्छा। सही लगा ना। और ब्लू कलर में तो वैसे भी रंग खेलता है इनका, तो स्मार्ट से लग रहे हैं जोशी जी, वैसे भी स्मार्ट ही है वो, लेकिन वो ये कि बनके नहीं रहते, लेकिन अब बनके अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ा अभी उनका काम जो चल रहा है ग्रेटर नोएडा में वो भी उन्होंने दिखाया, मैंने उनको बोला है कि अभी तो स्टार्टिंग ही हो रही है कि अगर कर पाओ तो थोड़ा थोड़ा शूट कर लेना कैसे क्या क्या हो रहा है करके, अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि काम जब वो अपना कर रहे होते हैं ना, काम कैसे लग रहे होते हैं, शूट नहीं कर पाते, उनके साथ ये चीज बड़ी रहती है। अब मम्मी के साथ भी ये इशू मेरे को बड़ा रहता है, जैसे कई बार खाना वाना बनाते काट वाट मैं देती हूँ सब कुछ, मम्मी बना रहे होते तड़का, तो मैं कहती हूँ जब तड़का बन जाएगा तो बता देना, मैं एक छोटा सा सीन ले लूंगी वीडियो में, मम्मी सब कर देंगी, तड़का लगा देंगी, उसमें सब्जी डाल देंगी, बन जाएगी सब्जी, फिर
आरती बन गई सब्जी। मम्मी का ऐसा रहता है, मम्मी पे पूरी नजर रखनी पड़ती है, तब मैं साथ में ही लगी रहती हूँ, पूरा काम साथ में, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया ना, मम्मी ने काम कर देना है पूरा, उसके बाद फिर बताना है। तो जोशी जी का भी वैसा ही रहता है, उनको बार बार याद करवाना पड़ता है, बार बार उनको बोलना पड़ता है। तो होता है जिसको काम के प्रति लगन होती है ना, या जिसको वीडियो का, मेरा ये, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मेरा दिमाग, मेरा माइंडसेट उस तरीके का है कि मुझे पता है अभी ये वीडियो बनानी है, क्लिप लेनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो सबके बस की बात होती भी नहीं है। बहुत सिरदर्दी वाला काम है, पूरा दिन कैमरा पकड़ के रखना, ये भी बड़ी आफत सी रहती है कि पूरा दिन कुछ नया डेली आपको क्रिएट करना है, अपने आप में कुछ नया डेली लेके आना, ये भी अपने आप में जद्दोजहद सी रहती है। लेकिन अच्छा है, डेली कुछ ना कुछ नया करते हैं, सबको दिखाते हैं और अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, एक रूटीन सी बनी हुई है, डेली टाइम पे उठना है, सबको समय पे हो रहा है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। तो ये जोशी जी की न्यू लुक आपको कैसी लगी, और उनका जो काम अभी मिला है, कि उनको लखनऊ की मीटिंग के चलते ही ये वाला काम भी मिला है, तो खूब सारी ब्लेसिंग्स भी देना कि आगे काम में खूब तरक्की करें, ताकि हम अच्छे अच्छे ट्रिप मार सकें, सब कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा हो और आपको भी अच्छा अच्छा दिखे। बहुत सपने हैं, बहुत कुछ करना है, अभी जीवन में सिर्फ शुरुआत ही है, अभी तो दो दो लोन ही चल रहे हैं, कार का भी चल रहा है, फिर घर खर्च भी है, सब कुछ ये करने वाले हम दोनों ही हैं, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। बस आप सबका प्यार बना रहे, दुआएं बनी रहे। कल जो कमेंट्स के बारे में मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आए जिनको देख के दिमाग भिन्ना गया था हमारा घर के, मम्मी ने भी बहुत बोला, पापा ने भी, मैंने भी, तो काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आए कि जिनकी ऐसी सोच है, जो बोल रहे हैं ना कि शायद उनके घर में बेटियों का विसर्जन ही करते होंगे वो लोग, कि जो ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स देखने को लगे कि पता नहीं आरती इनके घर का राशन खा रही होगी ना, तब इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो बहुत सारे बड़े फनी फनी कमेंट्स भी आए, पढ़ पढ़ के मुझे हंसी भी आ रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, इतना साथ देते हो हर चीज़ में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूरी दुनिया एक सी नहीं है, सब एक से नहीं है, जो प्यार करते हैं बस उनके लिए ही वीडियोस बना रही हूँ, उनके लिए ब्लॉग्स बना रही हूँ, और ऐसे प्यार आगे देते रहिए, आगे भी खूब सारे प्यार की आप सबसे उम्मीद है। धन्यवाद तहे दिल से आप सभी का। तो मिलते हैं बहुत जल्द, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं की तो कर देना, अति वक्त जोशी का चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आह आह।